जोगिंदरनगर उपमंडल में वैश्विक महामारी कोविड-19 संक्रमण के चलते अब तक लगभग 450 लोगों ने होम आइसोलेशन में रहकर ही कोरोना से जंग जीतने में कामयाबी हासिल की है। होम आइसोलेशन में रहकर कोरोना संक्रमित व्यक्ति न केवल सरकार द्वारा समय समय पर जारी हिदायतों की सख्ती से अनुपालना कर रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद विभाग की टीमें नियमित तौर पर निगरानी करने में जुटी हुई है। होम आइसोलेशन में रहकर स्वस्थ हो चुके जोगिंदरनगर निवासी अश्विनी सूद से बातचीत की तो उनका कहना है कि जैसे ही उन्हें कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई वो एकदम घर में ही आइसोलेट हो गए। इस बीच न केवल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उनका दूरभाष के माध्यम से नियमित तौर पर हालचाल पूछते रहे, बल्कि जरूरत पड़ने पर उनका मार्गदर्शन भी करते रहे। नमस्कार, मेरा नाम शिवम शर्मा है, मैं जोगिंदरनगर का रहने वाला हूँ। और 25 अप्रैल को हमें कोविड पॉजिटिव डिक्लेयर किया गया था। हम यहाँ सिविल हॉस्पिटल में टेस्ट करवा के आए थे और वी वर डिक्लेयर पॉजिटिव। उसके बाद से हम लोग होम आइसोलेशन में ही हो गए थे। हमें हॉस्पिटल की तरफ से एक आशा वर्कर अपॉइंट किए गए थे, जिन्होंने हमें एक मेडिसिन का किट दे रखा था, जो हमने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से उसे खाना शुरू किया था और अपनी डाइट को भी उस तरीके से लेने लगे थे। बीच में थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस आए भी थे, बट हमने घर पे ही कुछ अपने वेज, अपने मेथड्स जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग थे, उनको फॉलो करते हुए हमने अपने आप को थोड़ा स्टेबल रखने की कोशिश की और अभी हम बिल्कुल ठीक फील कर रहे हैं। और मैं यही अपील करूँगा सभी से कि अगर आप भी कोविड पॉजिटिव हैं तो आप लोग भी अपनी होम आइसोलेशन के थ्रू अपने आप को अच्छा, मतलब ठीक फील आप कर सकते हो, अपने आप को ठीक कर सकते हो। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, अपने घर में सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी अच्छी डाइट लीजिए, अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करते रहिए, डेली की प्रोग्रेस उन्हें बताते रहिए और उनका ओपिनियन जो है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए और बाकी सभी चीज़ें जो है वो फाइनली पॉजिटिवली ठीक हो जाएंगी। मैं सुनिश्चित पत्रकार जोगिंदरनगर, मुझे सभी जुकाम होने के कारण मैंने अपना कोरोना का टेस्ट करवाया जो कि पॉजिटिव आया। उसके बाद मैं जो है वो होम आइसोलेट हो गया तथा मुझे जो है वो हॉस्पिटल से डॉक्टर रोशन कुंडल जीवन जी, इनके नियमित रूप से मुझे फ़ोन आते रहे और ये मैं इनसे बराबर जानकारी लेता रहा, जो इन्होंने दवाइयाँ बताई उनका भी उपयोग करता रहा। तथा उसके बाद जो है वो जैसे आयुर्वेदिक विभाग की काढ़ा वगैरह रोज दो समय जो आप गरारे हल्दी नमक डाल के गरारे तथा जो मैं ये चीज़ें जो जैसे चिकित्सकों ने बताई वैसे मैं लेता रहा। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तो मेरी सभी लोगों से अपील है कि वो इससे डरे ना, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो है वो अपना अपील आइसोलेट हो जाएँ तथा जो स्वास्थ्य विभाग बताता है उसके अनुसार अपना कार्य करें। तथा लोगों से यही निवेदन है कि कोरोना से डर से बिल्कुल नहीं आपने डरना है तथा ये जो है वो आप इसको बिल्कुल हरा पाएंगे जैसे मैंने इसको हराया है। जोगिंदरनगर से कैलाश की रिपोर्ट।